आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। गाजियाबाद में आज सुबह करीब 4 बजे कवि नगर क्षेत्र के चौराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि पूछताछ में बदमाशों ने शास्त्री नगर में दुकानों की चोरी की घटना, इंदिरापुरम में ATM काट कर चोरी, नोएडा के एक्सप्रेसवे की ATM काटने के प्रयास की घटना और कई अन्य घटना में शामिल होने की बात बदमाशों ने कबूल की है। इस गैंग के पास से काला पेंट और स्प्रे भी बरामद किया गया है। ATM में जाने के बाद यह गैंग CCTV पर स्प्रे कर देता था। सभी बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं और अन्य राज्यों में भी इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है। इन्होंने दर्जनों ATM मशीन से चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश सेंट्रो गाड़ी में जा रहे थे, रोकने पर पुलिस पर इन्होंने फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें 3 बदमाश घायल हो गए। गैंग था जो पूरे NCR में और ये कहें कि आसपास के राज्यों में भी काफ़ी सक्रिय था। ये जो है गैस वेल्डिंग के सामान से ATM काट करके जगह जगह चोरियां कर रहा था, लाखों की चोरियां कर रहा था। और हमारे ये एक जो गैंग पकड़ा गया है, इसमें जो सरगना है कमरुद्दीन, इसको यहाँ पुलिस ने चेस किया, इसकी इन्फॉर्मेशन थी। चेस करने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके 2 साथी और हैं, ये लोग पुलिस पर जो है इन लोगों ने फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधी जो हैं कमरुद्दीन और इसका साथी, ये लोग घायल भी हुए, इनको अस्पताल भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण में अगर बरामदगी की बात करें तो 40,000 रुपये, इसके अलावा गैस सिलेंडर, गैस कटर और तमंचे, और ये जो ये वेशभूषा जो ये बदल करके ये घटना करते हैं वो वेशभूषा, इसके अलावा ब्लैक पेंट जो CCTV वगैरह पे ATM के अंदर ये लगा देते हैं, वो स्प्रे वगैरह भी इनसे बरामद हुआ है। और ये एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। SP City, CO City 1 और CO City 2, इनके पूरे निर्देशन में और क्राइम ब्रांच गाजियाबाद की टीम ने जो ये वर्कआउट किया है, यकीनन इससे जो पूरा NCR है, ये और अन्य राज्यों में भी, जैसे कि राजस्थान, यहाँ तक कि गुजरात और दक्षिण भारत तक के ये कई जिलों में चले जाते थे इस तरह से ATM काटने के लिए, तो इनकी गिरफ्तारी से यकीनन अपराध में कमी आएगी। ये सभी लोग हरियाणा के रहने वाले हैं जी। और इनको जो है पूरी वैधानिक कार्रवाई इन पर की जाएगी। वहीं जो इनका गैंग है उस पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी प्रस्तावित है। सर, इंदिरापुर में जो ATM वाली लूट हुई थी उसमें भी यही गिरोह शामिल था? ये जो 1 सितंबर की जो अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, ये इस गैंग ने वहाँ पर जो CCTV था, जो कैमरा लगा था ATM के अंदर, उस पर स्प्रे लगा करके वहाँ पर ATM काटने की घटना को स्वीकार किया है। और साथ ही इनका एक साथी जो है बता रहे हैं कि एक्सप्रेसवे थाना नोएडा में जो है वहाँ पहले गिरफ्तार हुआ था। और ये गैंग जो है इधर भी जो है यहाँ के सीमावर्ती जनपदों में भी सक्रिय रहता है और अक्सर रहती है।